नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आज चले आए हैं नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे हर बीओ में सप्लाई किए जाने वाला ये जो थर्मल प्रिंटर है, जिसका आप लोगों का बहुत दिनों से इंतजार था, इसका आज अनबॉक्सिंग करेंगे दोस्तों। तो देखेंगे आज इस वीडियो में कि इसके अंदर क्या क्या है। ये बॉक्स आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज वीडियो में देखेंगे कि ये जो TVS का थर्मल प्रिंटर का सप्लाई किया गया है हर बीओ में, तो इसका अंदर इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है दोस्तों, और इस बॉक्स के अंदर जो थर्मल प्रिंटर है उसको कैसे अपना दर्पण डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, क्या ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाएंगे या फिर USB से, ये सारे इस वीडियो में देखेंगे। और लास्ट तक कनेक्ट करने से लेकर प्रिंट करने तक सब कुछ इस वीडियो में मैं आज दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे A to Z पूरा देखें दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, आप पूरा बॉक्स देख सकते हैं इधर पर दिया गया है। अगर आपका डिवीजन में अभी तक सप्लाई नहीं हुआ है तो कुछ दिनों में ही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक करके हर डिवीजन में इसका सप्लाई इंश्योर किया जा रहा है दोस्तों। अगर आपके डिवीजन में इसका सप्लाई नहीं हुआ है अभी तक, तो सप्लाई जल्द ही किया जाएगा दोस्तों। तो आपका जो डिवीजन का IPB ब्रांच है, उधर से ये जो थर्मल प्रिंटर से आपका डिवीजन ऑफिस या फिर आपका सब डिवीजन ऑफिस भेज दिया जाएगा, और उधर से आपको कलेक्ट करना है दोस्तों। मेरा डिवीजन में जो थर्मल प्रिंटर सप्लाई किया गया था, तब मेरा सब डिवीजन का हर एक BPM को डिविजनल ऑफिस बुलाया गया था दोस्तों, एक जगह पर बुलाया गया था, और तब सबको ये थर्मल प्रिंटर सप्लाई किया गया है। तो दोस्तों, एक शेड्यूल डेट आपको दिया जाएगा डिवीजन की तरफ से, और आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन इस जगह पर आप सबको चले आना है, और उस जगह पर जब आप चले जाएंगे सब BPM एक साथ मिलकर, तो आप सबको थर्मल प्रिंटर दे दिया जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इधर पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स इधर पर दिया गया है, और इधर पर TVS इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है थर्मल प्रिंटर जो है MP280 लाइट मोबाइल प्रिंटर। तो दोस्तों, मॉडल का नाम है MP280 लाइट मोबाइल प्रिंटर। इधर पर देखिए DPI मोबाइल थर्मल लाइन प्रिंटर, तो थर्मल प्रिंटर है ठीक है दोस्तों। पहले भी जब RICT डिवाइस होता था, तो RICT डिवाइस में एक इनबिल्ट थर्मल प्रिंटर होता था, लेकिन दोस्तों अब क्योंकि हर बीओ में मोबाइल डिवाइस का सप्लाई कर दिया गया है, आप इधर पर देख सकते हैं मोबाइल डिवाइस है। तो ये जो मोबाइल डिवाइस है, अब इसमें इनबिल्ट जो थर्मल प्रिंटर है वो तो नहीं होता है RICT मशीन की तरह, अब एक अलग से थर्मल प्रिंटर सप्लाई किया जाएगा हर एक को। तो इधर पर देखिए, इधर पर लिखा है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वर्जन 4.0 प्लस USB। तो ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होगा और USB से भी कनेक्ट होगा, और एक क्योंकि मोबाइल थर्मल प्रिंटर है तो आपका मोबाइल से भी कनेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि ऑल डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो इजी पेपर लोडिंग है, तो पेपर आप बहुत ही इजी से इसमें भर सकते हैं दोस्तों। तो इधर पर देखिए, इस बॉक्स में क्या क्या है सब कुछ इधर पर दिया गया है। तो क्या क्या इधर पर लिखा है और क्या क्या मुझे बॉक्स के अंदर मिलता है, सब कुछ वन बाई वन देखेंगे दोस्तों। तो कुछ डिटेल्स पहले देख लेते हैं। इधर पर देखिए, सीरियल नंबर दिया गया है, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो दोस्तों, इधर पर सब कुछ एड्रेस दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, और एक बात बताना चाहता हूं, जब डिवीजन से आपको IPV से थर्मल प्रिंटर का सप्लाई किया जाएगा, तब IPV की एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, या अंडरटेकिंग फॉर्म भी उसको कह सकते हैं, जिस पर आपको साइन करना होगा, और इस सीरियल नंबर को उस फॉर्म पर लिखना होगा कि आप ये सीरियल नंबर की जो थर्मल प्रिंटर है वो रिसीव कर रहे हैं डिवीजन ऑफिस से। तो IPV आपसे एक ऐसा डिक्लेरेशन ले लेगा, ठीक है दोस्तों। मतलब कि एक रिसीव कॉपी IPV के पास रहेगा कि आप ये जो थर्मल प्रिंटर है आप IPV से रिसीव किए हैं भाया डिवीजन ऑफिस या फिर सब डिवीजन ऑफिस, ठीक है दोस्तों। तो इधर पर देखिए, कमोडिटी नेम मोबाइल प्रिंटर, मोबाइल थर्मल प्रिंटर, प्रोडक्ट नेम है मोबाइल प्रिंटर MP280 लाइट, ठीक है दोस्तों। इधर पर देखिए, ब्रैकेट में IPV लिखा है, और नेट क्वांटिटी एक यूनिट, एक ही थर्मल प्रिंटर है, और क्या क्या मिलेगा देखिए, मोबाइल प्रिंटर जो थर्मल प्रिंटर है वो मिलेगा आपको, एक पावर अडेप्टर मिलेगा थर्मल प्रिंटर को चार्ज करने के लिए, थर्मल पेपर रोल एक मिलेगा आपको, वन नंबर जिस पेपर रोल पर आप प्रिंट कर सकेंगे थर्मल प्रिंट, लेदर पाउच मिलेगा, एक कवर मिलेगा थर्मल प्रिंटर का,
यूएसबी केबल मिलेगा जिसके मदद से आप आपका थर्मल प्रिंटर अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर देखिए अप्रैल 2024, तो बेस्ट फॉर यूज नॉट एप्लीकेबल। एमआरपी देखिए दोस्तों कितना रुपये है, 10,495 रुपया, तो इतना अमाउंट है इसका प्राइस, तो एमआरपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो इतना ज़्यादा नहीं है, इससे कुछ हज़ार रुपया कम ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो जो सारे जीडीएस भाई बहन इतने दिनों से बीओ में प्रिंटर की नहीं रहने के वजह से जो चिट्ठी बुकिंग है, एसपीआरएल पार्सल बुकिंग नहीं कर पा रहे थे, या फिर कस्टमर को जो रिसिप्ट देना होता है, प्रिंट देना होता है, वो नहीं दे पा रहे थे, तो अब से उनका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन आ गया है दोस्तों, आप कस्टमर को प्रिंट दे सकेंगे। इधर पर देखिए फॉर एनी कस्टमर कंप्लेंट्स प्लीज, इधर पर देखिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का सब कुछ एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर केयर नंबर सब कुछ दिया गया है दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपको तो इधर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों स्पेसिफिकेशन सब कुछ देख लिए है दोस्तों। इधर पर देखिए मॉडल का नाम फिर से दिखा देता हूँ, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स MP2280 Lite मोबाइल प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस बॉक्स को खोलते हैं। तो इधर पर देखिए एक स्ट्रिप रहेगा, इसको आपको कटना है, और देखिए बिफोर फास्ट यूजर्स प्रिंटर शुड बी चार्ज 1 to 2 hours। तो दोस्तों खोलने के बाद ही इसको यूज करने मत लगिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप अनबॉक्सिंग करते हैं उसके बाद 1-2 घंटे इसको चार्ज करना है फुल्ली, और उसके बाद इस थर्मल प्रिंटर को पूरी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं खोल लेता हूँ, इधर पर देखिए ये देखिए मुझे क्या क्या मिला, एक थर्मल प्रिंटर मिला है, इसमें है, इसको हटा देता हूँ। इधर पर देखिए दोस्तों थर्मल प्रिंटर इसको है, ये एक लेदर पाउच के अंदर है, एक कवर है थर्मल प्रिंटर का, तो मैं हटा देता हूँ इसको। इधर पर देखिए इसके अंदर है हमारा थर्मल प्रिंटर, ये देखिए दोस्तों बहुत दिन से आप देखने का इंतजार कर रहे थे, अब देख लिए दोस्तों। ये देखिए ये जो लेदर पाउच दिया गया है बहुत ही अच्छा है, मोबाइल की जैसे आपका कवर रहता है उसी तरह आपका जो थर्मल प्रिंटर है उसी का भी कवर दिया गया है। तो इसको हटा देता हूँ, ये देखिए इधर पर लिखा गया है भारतीय डाक इंडिया पोस्ट, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रिंटर, इसको अच्छे से देख लीजिए। इधर पर 2 बटन दिया गया है, एक है स्विच ऑन ऑफ का पावर बटन, और दूसरा है प्रिंट बटन, पेपर बटन, ठीक है दोस्तों। और कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पर दिया गया है, और इधर पर लाइट कुछ दिया गया है, तो इसका क्या काम है देखेंगे, पूरा देखेंगे। लेकिन दोस्तों अब और क्या क्या है बॉक्स में वो देख लेते हैं। इधर पर देखिए एक पावर अडेप्टर है, ठीक है, ये देखिए पावर अडेप्टर, इसको आप ऐसे खोल सकते हैं, और इसके मदद से आप चार्ज करेंगे थर्मल प्रिंटर को। नीचे देखिए दोस्तों पोर्ट दिया गया है, इस पर आप इसको एंटर करके चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो मार्क है ये ऊपर रहना होगा, तो इधर पर देखिए ऐसे इसमें घुसा करके आप बोर्ड में दे करके इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर अडेप्टर तो मिल गया आपको, बहुत ही लंबा है, आप अगर बोर्ड आपके टेबल से थोड़े दूर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप आसानी से चार्ज कर पाएंगे। तो इधर पर मैं रखता हूँ, और ये देखिए ये है मोबाइल कनेक्टर, मोबाइल से इसको कनेक्ट करना है, इसको देखिए यहाँ पर बोला गया है यूएसबी केबल, तो यूएसबी केबल ये देखिए, तो यूएसबी केबल ये है, तो इसका एक जो साइड है वो जाएगा प्रिंटर के अंदर, और दूसरा साइड जो है वो जाएगा मोबाइल के अंदर। सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों वीडियो में, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अपने जीडीएस दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो कैसे कनेक्ट करना है सब कुछ देखेंगे। तो अब देख लेते हैं कि बॉक्स के ऊपर जो लिखा है सब कुछ हमें मिला या फिर नहीं। तो देखिए मोबाइल प्रिंटर एक है हमें मिला है, एक ही मोबाइल प्रिंटर मिला है। दूसरा देखिए थर्मल पेपर रोल, तो थर्मल पेपर रोल इसमें एक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है दोस्तों। तो इसको कैसे खोलना है, इधर पर देखिए, इधर पर और इधर पर दोनों नॉच दिया गया है, अगर आप इसको ऐसे प्रेस करके ऊपर की तरफ खोले तो इधर पर देखिए आप इसको खोल सकते हैं। इधर पर ये देखिए इधर पर पेपर रोल एक ऑलरेडी इसमें दिया गया है, तो पेपर रोल को आपको भरने के लिए दोस्तों देखिए पेपर रोल ऐसे है, तो सब हर वक्त आपको पेपर रोल को ऐसे रख के इसके अंदर दे देना है, और जो बाहर निकल रहा है इसको ऐसे बाहर निकलते रहने देना है, और ये
प्रेस करके इसके अंदर दे देना है। तो देखिए एयर थोड़ा हिस्सा बाहर रहेगा। तो ऑलरेडी एक पेपर रोल इसमें था तो मुझे वो मिला है, और लेदर पाउच इसका बात किया गया है, लेदर पाउच जो थर्मल प्रिंटर का कवर है वो भी मुझे मिला है दोस्तों। और लास्ट में देखिए यूएसबी केबल इधर पर मुझे मिला है जिससे हम मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ भी है, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक भी ब्लूटूथ का फीचर जो है वो इनेबल नहीं किया गया है। तो आप इस डिवाइस से इसमें मोबाइल डिवाइस सॉरी ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अब तक, लेकिन आप यूएसबी से कनेक्ट जरूर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया कि कैसे थर्मल पेपर रोल जो है इसमें इसको इसमें एंटर करना है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं थोड़ा हिस्सा बाहर रखूंगा और इसको ऐसे प्रेस करके देखें। देखिए दोस्तों आप ठीक से देखिए, अगर आप ऐसे इसको रखते हैं तो काम नहीं होगा, क्योंकि ये साइड जो है इस पर प्रिंट नहीं आएगा। ठीक है, आप ऐसे ही अगर रखेंगे तो ही प्रिंट आएगा, वरना अगर आप प्रिंट भी देते हैं तो प्रिंट नहीं आएगा, ब्लैंक ही रह जाएगा। आपको हर वक्त ऐसे पेपर रोल को सेट करना है। तो मैं इसका कवर दे देता हूँ, प्रेस करके सेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए इसके इधर पर एक पोर्ट दिया गया है, अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो देखिए चार्जर की पिन जो है इसको ऐसे इसके अंदर घुसा देना है और इधर से आप चार्ज कर पाएंगे। अगर चार्ज होगा तो इधर पर चार्जिंग का इंडिकेटर दिया गया है, वो जल्द रहेगा, और कितना परसेंट चार्ज हुआ है उसके लिए ये देखिए इधर पर इंडिकेटर दिया गया है, तो कितना परसेंट चार्ज है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं हटा देता हूं इसको। तो इधर पर देखिए दो बटन दिया गया है, एक तो है पावर बटन जिसके मदद से आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, दूसरा गया है पेपर बटन, इसको भी बोलता है, या फिर प्रिंट बटन भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन होकर इधर पर देखिए कुछ इंडिकेटर दिया गया है, ये आपका चार्जिंग इंडिकेटर है, कितना परसेंट चार्ज है आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ये जो थोड़ा हिस्सा बाहर निकला हुआ है, तो अगर आप ये प्रेस करेंगे तो थोड़ा और बाहर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये प्रेस करता हूँ, ये वाला बटन, ये देखिए बाहर आ गया, फिर प्रेस करता हूँ फिर थोड़ा बाहर आ गया, ऐसे प्रेस करके आप बाहर निकल सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब आप अगर आपका थोड़ा पोर्शन ही बाहर रह गया प्रिंटर का, तो आप इसके प्रेस करके और भी थोड़ा पोर्शन बाहर कर सकते हैं। तो मैं फिर से इसको सेट कर दूंगा। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि स्विच ऑफ करके ही इसको खोले और बंद करें, मैं स्विच ऑफ कर दूंगा। इधर पर देखिए, ठीक है अब मैं स्विच ऑन करता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए स्विच ऑन हो गया, मैं एक बार प्रेस करके दिखा देता हूं, ये देखिए बाहर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको एक साथ प्रेस करेंगे तो स्विच ऑफ हो गया मेरा, ये देखिए दोनों को एक साथ प्रेस करके आप इसका टेस्ट निकल सकते हैं दोस्तों, यानी कि एक काम कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सेल्फ टेस्ट है, अगर दोनों बटन एक साथ प्रेस करते हैं तो सेल्फ टेस्ट ये दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं और एक बार प्रेस करता हूं, ये देखिए सेल्फ टेस्ट ऑन हो गया, मैं और एक बार प्रेस करके दिखाता हूं। तो इसका मायने क्या है दोस्तों, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका प्रिंटर काम कर रहा है या फिर नहीं, तो आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, और मोबाइल से कनेक्ट करके भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं आप कैसे मोबाइल से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों दो पोर्ट इधर पर है यूएसबी केबल का, एक सी टाइप है और दूसरा सी टाइप नहीं है, तो जो सी टाइप है वो आपका मोबाइल में जाएगा। ठीक है, और ये जो ए वाला जो पिन है वो जाएगा आपका प्रिंटर के अंदर, तो प्रिंटर के अंदर मैं दे देता हूँ, ये देखिए प्रिंटर के अंदर चला गया और ये चला गया मेरा डिवाइस में। ठीक है दोस्तों, तो डिवाइस में चला गया, तो मैं अब देखिए, तो दोस्तों ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है,
ये ब्लूटूथ प्रिंटर है, लेकिन फिलहाल इसमें ब्लूटूथ एनेबल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप अगर नोटिफिकेशन बार नीचे नमाएंगे तो नहीं आएगा, तो ब्लूटूथ एनेबल आप इस डिवाइस में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ब्लूटूथ से आप इस प्रिंटर से मोबाइल कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको यूएसबी से ही इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं दर्पण ऐप जो है वो खोल लूंगा, इधर पर देखिए मैं खोल लिया हूँ। आप लॉग इन करेंगे तो मेरा आज जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका प्रिंट मैं निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकाल सकता हूँ? तो देखिए दोस्तों, आ गया, मैं CBS डेली ट्रांजेक्शन इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरा SB का कितना ट्रांजेक्शन हुआ है 3 मई 2024 में, मैं सबमिट करता हूँ तो इधर पर ऑल डिटेल्स आ गया, नीचे प्रिंट का ऑप्शन है। तो अगर मैं प्रिंट में क्लिक करता हूँ तो देखिए तो दोस्तों आप फिलहाल देख सकते हैं कि एक लाल बटन, लाल लाइट सिर्फ जला है, इसका मतलब है प्रिंटर से आपका मोबाइल कनेक्ट है। लेकिन इधर पर देखिए, आप ध्यान रखिएगा, इधर पर कोई भी ये बटन, ये लाइट जो है ये नहीं ऑन है, तो इसके लिए आपको पावर बटन प्रेस करके रखना होगा। अब थर्मल प्रिंटर ऑन हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले आपको थर्मल प्रिंटर स्टार्ट करना है। स्टार्ट अगर करेंगे इधर पर देखिए बीप बीप करके लाइट जलेगा, ठीक है दोस्तों, और इधर पर एक लाइट भी ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रिंट देने के पहले आपको ये चेक कर लेना होगा। तो अगर आप प्रिंट देते हैं इधर पर और इधर पर स्विच ऑन नहीं है तो प्रिंट नहीं आएगा, तो सबसे पहले ये चेक कर लेना होगा। तो मैं इधर से नीचे देखिए प्रिंट का बटन है, प्रिंट पर क्लिक करता हूँ तो इधर पर देखिए एक प्रिंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ नीचे देखिए और एक ऑप्शन आया, अलाउ दर्पण टू एक्सेस माइक्रो प्रिंटर, तो मैं ओके करूंगा। तो जैसे ही ओके करता हूँ आप देखिए दोस्तों प्रिंट निकल रहा है, तो प्रिंट निकल गया मेरा जो SB का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो मैं RD का देखता हूँ, RD अगर सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, ये RD का ऑल ट्रांजेक्शन आ गया है, तो मैं प्रिंट करूंगा। तो इधर पर फिर से प्रिंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, मैं इसको प्रेस करूंगा, ये देखिए प्रिंट निकल रहा है दोस्तों, ठीक है, इस बार और नीचे अलाउ नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कैसे मोबाइल जो दर्पण डिवाइस है उसके साथ आपका प्रिंटर कनेक्ट करना है दोस्तों। और अगर हो गया तो आप ऐसे करके इधर पर देखिए कटर टाइप एज है, ठीक है दोस्तों, इधर पर देखिए अगर आप ऐसे करें इसको करेंगे तो ये फाड़ के आ जाएगा आपके हाथ, और ये देखिए ये भीतर थोड़ा घुसा हुआ है, तो आप अगर ये प्रेस करेंगे तो थोड़ा बाहर आ गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके आप आपका थर्मल प्रिंटर से आपका दर्पण डिवाइस का जो भी सारा काम है सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत लंबा प्रिंट आ गया है दोस्तों। तो आपने आज देख लिया कैसे जो पेपर रोल है इसमें इंस्टॉल करना है, कौन सी साइड ऊपर रखना है, कौन सी साइड नीचे रखना है, कैसे स्टार्ट करना है प्रिंटर को, कैसे ए बटन काम करता है, कैसे चार्ज देना है, कैसे कनेक्ट करना है दर्पण डिवाइस के साथ, और दर्पण डिवाइस के प्रिंट कैसे इससे निकलना है। तो दोस्तों मैं अगर ए बटन प्रेस करके रखता हूँ तो देखिए स्विच ऑफ हो गया, तो मैं अगर पिन को खोल लेता हूँ तो देखिए डिस्कनेक्ट हो गया, और पिन को फिर से अगर मैं इसमें इनपुट करता हूँ तो देखिए ये बटन जलने लगा है, इसका मतलब है मोबाइल से एक कनेक्ट हो गया है भैया USB। और अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ये बड़ा लाइट अगर जलता है इसका मतलब है कि थर्मल प्रिंटर का स्विच ऑन है। अगर ऐसा रहता है कि स्विच ऑन नहीं है लेकिन डिवाइस कनेक्टेड है USB के थ्रू, और अगर आप प्रिंट देते हैं तो थर्मल प्रिंटर से कोई भी प्रिंट नहीं निकलेगा दोस्तों। मैं इधर पर प्रिंट देता हूँ, देखिए प्रिंट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अगर स्विच ऑन करता हूँ, मैं स्विच ऑन कर लिया, इधर पर भी लाइट ऑन है, और अब मैं प्रिंट अगर देता हूँ तो देखिए प्रिंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और नीचे अलाउ करना होगा, ओके, तो देखिए प्रिंट निकल रहा है दोस्तों। और प्रिंट निकलने के बाद इसको ऐसे करके फाड़ लेना है, और अगर आप इसको थोड़ा और बाहर करना चाहते हैं तो एक बार प्रेस करना है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने देख लिया, तो इसके बाद वाला वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और एक टिप्स दिखाऊंगा दोस्तों, जिस पर बोला जाएगा जिस वीडियो में कि कैसे आप खुद का मोबाइल में इसको कनेक्ट कर सकेंगे और ढेर सारा काम कर सकेंगे, ऑफिस का भी और इस डिवाइस का भी। तो आपने देख लिया कैसे कनेक्ट करना है दोस्तों। तो इस विषय में अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और इस चैनल का जो ऑल इंडिया GDS ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन हो जाइए, उधर पर हर नोटिस हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।